Hello, lovely and beautiful people. Welcome back to the Life of Sharmaz. My name is Rajan. So, I am going to show you what I was doing. So, I have cut the onion. I have put it on top of it. And this cheese, I have put it on top of it. I will toast it and eat it. And all of my protein is here. And this bag, I thought to keep it. Ravina said no, to give it to him. So, I am thinking how to settle it. I have to keep it somewhere, right? सो मैं बना रहा हूँ रवीना के लिए। ये बेगल मैंने टोस्ट कर लिया और इसके ऊपर ये एवोकाडो स्मैश करके डालूंगा। सो ये हो गया रेडी, बस इसको प्लेट में डाल के ले जाऊंगा। और ये ना दाल निकाली है, काफ़ी दिन से रखी थी लेकिन मैंने बनाई नहीं और काफ़ी दिन बाद मैं दाल बनाऊंगा। अब दाल वाल ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दिया मैंने। और अभी जिम जाना था, बारिश हो रही है बड़ी तगड़ी। सो अभी ना इसको थोड़ा जिम का प्लान डिले कर दिया, अभी थोड़ी बारिश रुकेगी तब जाऊँगा। सो अभी मैं ना स्मूदी बनाने जा रहा हूँ। तो मेरे पास है ये हल्का सा क्यूकम्बर थोड़ा सा, और ये है ऑरेंज, ये छोटे वाले जिसके अंदर बीज नहीं होते, ये कीवी है, और यहाँ पर 30 ग्राम मेरे पास पालक है, और ये 30 ग्राम केल है। सो इसके अंदर मतलब इसको मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको जस्ट मैं ब्लेंड कर दूँगा। ठीक है, मेरे पास ब्लेंडर है यहाँ पर, इसके अंदर ब्लेंड करूँगा। इसके अंदर आप चाहे तो लेमन डाल सकते हैं, फिर जिंजर भी डाल सकते हैं, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। और एक और चीज़ है ना, कई लोग जैसे ये ऑरेंज है ठीक है, तो जूसर के अंदर मैंने देखा है कि जूस निकाल देते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जो फाइबर है ना इसको ब्लेंड करना है। अगर जूस निकाल देंगे तो इसका फाइबर अलग हो जाएगा, और सिर्फ जूस से क्या होता है वो ब्लड शुगर को स्पाइक करता है, लेकिन फाइबर रहने से वो आपको लाइक स्लोली स्लोली प्रोवाइड करता है एनर्जी। तो वो फाइबर जरूर, फाइबर ना निकाले किसी भी चीज़ का। ऐसे ये रेडी हो गया, थोड़ा थिक है ना, इसके अंदर पानी डाल के आप थिन कर सकते हैं, लेकिन मेरे को थिक पसंद है। दैट्स इट, दाल भी रेडी हो गई, तड़का भी लगा दिया। अभी मैं वही एक गोलगप्पे ले लिए, और यहाँ पर है ना चना मसाला लिया मैंने, बिरयानी मसाला, और यहाँ पर ये है ना गोलगप्पे का पानी है, ये भी इसमें से ले लेता हूँ। ज़्यादा स्पाइसी नहीं लूँगा क्योंकि रवीना ज़्यादा स्पाइसेस खा नहीं सकती है। ये मैंने लिए दो चने मसाले, एक बिरयानी और एक चाइनीज़ एग फ्राइड राइस। सो अभी मैं जिम से आया था और फिर रवीना मेरे को कल लेने आ गई, और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। अब यहाँ से है ना हमने खाना ऑर्डर किया, डोसा हट जहाँ से हम नॉर्मली लेते हैं, तो वहाँ से अब डोसा लूँगा और उसके बाद खाना वाना खा के फिर सो जाऊँगा। और क्या, यही है डोसा हट दुकान, और यहीं से मेरे को लेना है सामान। चलो जी, ये आ गया डोसा। इसका रवीना, अच्छा रवीना का नाम लिखा है, नहीं पता नहीं क्या लिखा। सो ये रहा मेरा डोसा, और ये मेरी तीनों चटनी, और ये सांभर। और इसमें है ना दिन ब दिन ये क्या कर रहे हैं, पनीर कम करते जा रहे हैं और आलू ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। पहले इतना पनीर होता था, इतना आलू होता था, अब इतना आलू हो गया, इतना पनीर हो गया। ऐसे अब ओ ये है ना गोलगप्पे ही ख़राब है, ये हल्का छेद हो गया इसके ऊपर। अरे पानी मच गया इसके ऊपर। खाना रवीना? हाँ, देयर इज अ लीकेज इन द गोलगप्पा मैन, ईट इट देन। पानी बहुत खट्टा। चलो मैं क्यों हूँ, एक रवीना के लिए बनाता हूँ तेरे को बिना लीकेज। अरे यार, You're too hard with it. Have you ever thought about that? ले, खा, जल्दी खा लें तो लीके सारा पानी निकल जाएगा। It's all come out. You have to be very delicate, Roger. Not like you like banging it like that. अच्छा. And then you just only need a little bit of this. You don't need अच्छा, like. अच्छा, अब रवीना मेरे को सिखा रही है गोलगप्पे से बनाने। You just need a tiny bit. अब रवीना सिखाएगी कि गोलगप्पे कैसे बनाते हैं। And now look, nothing's leaking. सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही, और कल मेरा आई टेस्ट, कल जल्दी मेरे को उठना है ना, और कल बाल भी कटाने हैं, और कल एक दो काम और है, तो कल बहुत बिजी डे है। उसके बाद मैं चार पांच दिन लगातार काम पे हूँ, जिस दिन मिल जाओ होते उस दिन टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं ब्लॉगिंग उस दिन तो नहीं कर पाता हूँ। सो जितना होता मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड योर फैमिली, बाय।